हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेबरी। आज का रेसिपी है तंदूरी फिश टिक्का, जो कि बिना ओवन के हम बनाएंगे तावे पे। अगर आप इसे ट्राई करोगे श्योर आपको पसंद आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहले बोनलेस फिश 250 ग्राम लेंगे, जो कि मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। उसमें नींबू का रस 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे। पंद्रह मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक टिक्का के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे सरसों का तेल 1 चम्मच, गाढ़ा दही 3 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, बेसन 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, बारीक से कटा हुआ पुदीने का पत्ते 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च 1 चम्मच, इसका मैंने बीज निकाल दी हूँ। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हमारा टिक्का पेस्ट रेडी हो गया है। इसमें अब मैरिनेट किया हुआ फिश डाल के मिला लेते हैं। अब हम कुछ शिमला मिर्च कट कर लेते हैं। कटे हुए शिमला मिर्च में डालेंगे काला नमक 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, फिर मिला लेंगे। अब टिक्का स्टिक लेंगे और उसमें शिमला मिर्च और फिश को ऐसे डालेंगे। अब गरम तावे पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और फैला लेंगे। टिक्का को अब पकाएंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब दूसरे साइड को भी पका लेंगे। अब टिक्का को तंदूरी का फ्लेवर देंगे। उसके लिए गरम कोयले पे 1 चम्मच घी डालेंगे और 2 मिनट के लिए ढक लेंगे।
अब फिश को एक्स्ट्रा स्वाद देने के लिए मसाले बनाएंगे। उसके लिए लेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, सूखी कस्तूरी मेथी 1 चम्मच, फिर मिला लेंगे। हमारा फिश टिक्का और मसाला दोनों रेडी हैं। अब प्लेटिंग करते हैं। अब मसाला को टिक्का के ऊपर छिड़क लेते हैं। तैयार है हमारा टेस्टी तंदूरी फिश टिक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू एंड इनोवेटिव रेसिपीज। डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन।